जित पॉलिसी और लाभान्वित पॉलिसी का जो अंतर बताया वो लगभग 33% लोगों को लाभ मिला। तो इसका आधार आप करते हैं तो क्रॉप कटिंग के आधार पर करते हैं या सैटेलाइट की इमेज के आधार पर करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो आपने कहा कि रबी 2023 की बीमा क्लेम गणना प्रक्रिया दी है, मार्च के बाद रबी की फसल भी नहीं बचती, तो आप इसकी बीमा अब इसमें गणना करने के लिए बची क्या है, ये गणना कब तक पूरी हो जाएगी? अध्यक्ष महोदय, एक तो मैंने कहा कि क्रॉप कटिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होता है और उसमें जो जो भी वहाँ उपस्थित हैं गिरदा और पटवारी बीमा कंपनी का प्रतिनिधि वो करते हैं, उसमें कोई शिकायत आती है तो बाद में वो कमेटी ऊपर जाता है, उसका भी निस्तारण होता है। पर जो बात आपने कही है 22-23 की, उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूँ कि रवि 2022-23 उपज परिणामों की प्रविष्टि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जारी है एवं बीमा कंपनियों को राज्यांश प्रीमियम का भुगतान भी जारी है। 1055 करोड़ का भुगतान हम कर चुके हैं, केवल 210 करोड़ का राज्यांश प्रीमियम चुकाना बाकी है, अगले 15 दिन में वो कर दिया जाएगा। जब तक सरकार राज्यांश पूरा नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पर दर्ज रह जाए वो इंश्योरेंस का क्लेम जारी नहीं करेंगे। अब इन्होंने बड़ी कृपापूर्वक 1000 करोड़ दे दिया, अभी 285 करोड़ रुपए जो बकाया है ये कब तक दे दोगे ताकि किसानों को? बताया ना आपको, 15 दिन में भुगतान कर देंगे उसका, अगला फिर उसके बाद में भारत सरकार जो देगी उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न।